दोस्तों अगर आप भी लखनऊ और पंजाब के बीच रोमांचक मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पंजाब और लखनऊ के बीच हाई स्कोरिंग मैच खेला गया, जहां सुपर जायंट्स की तरफ से पहले मार्कस स्टोइनिस, काइल मेयर्स और निकोलस पूरन ने आसमान में छक्के जड़कर 257 रन का दूसरा सबसे बड़ा आईपीएल इतिहास का स्कोर खड़ा कर दिया और जवाब में उतरी पंजाब की टीम की लगभग रेल बनाकर रख दी लखनऊ के गेंदबाजों ने। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी अथर्व टाइडे और सैम करन ने अंतिम ओवर तक मैच जा पहुंचाया। और इस रोमांचक मैच की अंतिम ओवर तक की हाईलाइट तो आपको वीडियो में यहाँ दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पंजाब और लखनऊ में से इस साल आईपीएल के फाइनल में कौन सी टीम पहले पहुंचेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल का 38वां मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच हुआ, जहां इस मैच में पंजाब की टीम के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 257 रन बना डाले और 258 रन का विशाल लक्ष्य पंजाब किंग्स के सामने रखा। हालांकि दोस्तों एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स 150-200 रन तक भी पहुंच जाए तो काफी बड़ी बात होगी, लेकिन यहां पर काइल मेयर्स, आयुष बदूनी, मार्कस स्टोइनिस ने जो आज प्रदर्शन कर दिखाया उसको देखने के बाद तो कप्तान शिखर धवन के भी रोंगटे खड़े हो गए। हुआ ये था कि जब केएल राहुल और काइल मेयर्स मैदान पर उतरे तो यहाँ पर केएल राहुल का तो हमेशा की तरह फ्लॉप शो फिर से जारी रहा, जहाँ उन्होंने कगिसो रवाड़ा की गेंद पर शाहरुख खान को अपना कैच थमा बैठा और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर यह पहला बड़ा विकेट केएल राहुल के रूप में लखनऊ की टीम का गिरा, जो कि 12 रन बनाकर आउट हो गए। जैसा कि आप यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो, तो वहीं केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद फिर आयुष बदूनी मैदान पर आए, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इस बीच काइल मेयर्स ने तो अपना अर्धशतक किस गेंदों में पूरा कर लिया था, लेकिन यहाँ पर काइल मेयर्स को अपने जाल में रवाड़ा ने फंसाया, जहाँ शिखर धवन के हाथों वो 54 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के भी लगाए थे। तो वहीं काइल मेयर्स के आउट हो जाने के बाद फिर मार्कस स्टोइनिस का बल्ला चलना शुरू हुआ और इस बीच आयुष बदूनी और मार्कस स्टोइनिस ने अपनी टीम के स्कोर को 163 रन पर पहुंचा दिया था, लेकिन यहां पर आयुष बदूनी 43 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं आयुष के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए निकोलस पूरन का भी बल्ला तेजी से चला और यहां पर मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन शतकीय साझेदारी कर पाते, उससे पहले ही सैम करन ने मार्कस स्टोइनिस को 72 रन पर पवेलियन भेजा और इस बीच उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए थे। तो वहीं मार्कस के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए दीपक हुड़ा, जहां निकोलस पूरन और दीपक हुड़ा के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती। यहां पर निकोलस पूरन 45 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं दीपक हुड़ा ने 11 रन बनाए, जिसके चलते लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 257 रन तक पहुंच पाने में कामयाब हो पाई और यहां पर पंजाब की गेंदबाजी अब तक के आईपीएल के इतिहास की सबसे खराब गेंदबाजी मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर पंजाब के गेंदबाज कगिसो रवाड़ा ने ही 4 ओवर में 52 रन दे दिए, तो वहीं अर्शदीप सिंह ने तो 1 विकेट लिया अंत में वो भी और 54 रन दे दिए थे और यहां पर कोई भी गेंदबाज आज किफायती गेंदबाजी करवा ही नहीं पाया, जिसके चलते लखनऊ की टीम ने यहां 257 रन बना डाले थे। अब पंजाब किंग्स की टीम को जरूरत थी 258 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम करने की। हालांकि दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीत तो छोड़ो अगर करीब भी पहुंच जाए तो काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य जब भी होता है तो एक अलग ही तरह का दबाव टीम के खिलाड़ियों पर होता है और वही दबाव आज पंजाब की टीम पर देखने के लिए मिला। जब प्रभ सिमरन सिंह और शिखर धवन ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाज यहाँ अच्छी साझेदारी कर पाते उससे पहले ही अपना विकेट गंवा बैठे। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम को ये दो बड़े झटके जो शुरुआत में लग गई इससे तो और भी ज्यादा दबाव बन गया, क्योंकि यहाँ पर पहला बड़ा झटका तो 3 रन के कुल स्कोर पर ही लग गया, क्योंकि शिखर धवन मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर कृणाल पांड्या को कैच थमा बैठे और शिखर धवन के 1 रन पर आउट हो जाने के बाद फिर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह का भी विकेट गिर गया, जो कि 9 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों पंजाब की टीम को मात्र 31 रन के कुल स्कोर पर दो बड़े झटके लग चुके थे और पावर प्ले पूरी तरह से पंजाब की टीम का बर्बाद हो चुका था, लेकिन यहाँ पर अब उम्मीदें अथर्व टाइडे और सिकंदर रजा से की जा रही थी, जहाँ दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को संभाला उन मुश्किल परिस्थितियों में जब पंजाब की टीम एक समय के लिए लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिकंदर रजा के रूप में तीसरा बड़ा झटका भी पंजाब की टीम को काफी जल्दी लग गया, क्योंकि 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिकंदर रजा यश ठाकुर की गेंद को कृणाल पांड्या के सीधा गोद में थमा बैठे और यहाँ पर सिकंदर रजा 36 रन बनाकर आउट हुए और रजा के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए लियम लिविंगस्टन, जहाँ
लियम लिविंगस्टन और अथर्व टाइडे से पूरी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि एक अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अथर्व टाइडे जो कि 50 रन तो महज 26 गेंदों में बना लेते हैं, लेकिन दोस्तों इनका भी बल्ला 50 रन के बाद ज्यादा देर तक चल नहीं पाया क्योंकि ये रवि बिश्नोई की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड आउट हुए, जहां अथर्व टाइडे 36 गेंदों में 66 रन बनाकर चलते बने और अथर्व ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। हालांकि दोस्तों यहां पर अथर्व के अब आउट जाने के बाद लियम लिविंगस्टन और सैम करन पर पूरा भार होता है, लेकिन मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा जाए इस मैच में पंजाब की टीम पिछड़ी हुई नजर आई। और इस बीच पंजाब की तरफ से जितेश शर्मा, शाहरुख खान, कगिसो रबाड़ा जैसे बल्लेबाज भी मौजूद थे। लेकिन अब हमें आप बताइए पंजाब और लखनऊ के मैच के बाद आपकी क्या राय है जरूर।